बिस्मिल रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अली रजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो देखने वाले आप तमाम व्यूअर्स, तमाम स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरियत से रखे, ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम व्यूअर्स, तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी की जाम से जो मेरे जरा से अपडेट आई है फाइनली अभी, तो रिजल्ट में बहुत बड़ी तब्दीली कर दी गई है। अब वो तब्दीली कौन सी वाली है, जो अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं इन तलबा के लिए जो बड़ी अपडेट आई है रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जैसे भी कोई भी अपडेट आए तो फौरन से पहले मैं आप तमाम तलबा को एक वीडियो के जरिए मैसेज दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले से कोशिश रही है आप तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प करने की, और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और मुझसे इतना हुआ मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहूंगा। खैर, तमाम स्टूडेंट वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें, इससे आपके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, मुझे हौसला अफजाई होगी और ये इन्फॉर्मेशन, ये शेयरिंग इसी तरह मैं आपके साथ जारी रखूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में खड़ी घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख पाएं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि यूनिवर्सिटी अक्सर क्या करती है कि अपने फैसले में तब्दीलियां जो है वो लेती रहती है, अपना फैसला सुनाती है कि हम ये करने जा रहे हैं या हमने ये कर दिया है, बाद दफा यूनिवर्सिटी उसमें तब्दीली लेके आ जाती है। और यूनिवर्सिटी जो है इस बात का राइट भी रखती है, और यूनिवर्सिटी जो है ये खुद फैसले जो है ले सकती है, यूनिवर्सिटी की इतनी अथॉरिटी भी है। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़ी यूनिवर्सिटीज में अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी का जो है नाम आता है। बाकी अभी जो बड़ी तब्दीली, जो बड़ी चेंजिंग आई है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपके लिए तो अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी जो भी कुछ करती है वो ये अक्सर सोचती है और उनके माइंड में ये होता है कि तलबा के लिए कुछ बेहतर हो, कुछ बेहतरी लाई जाए। तो मैं यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा काम भी करती है जो स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं होता, तो मैं साथ में वो भी तलबा को बता देता हूँ। बाकी खैर, अभी जो बड़ी अपडेट है, जो रिजल्ट में तब्दीली आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ और रिजल्ट चेक करने का तरीकेकार आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले मैं आप तमाम तलबा के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब यार अपना आप रिजल्ट चेक करें तो आपके रिजल्ट में 1+ मार्क्स लगे हों, आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखिएगा, हो सकता है किसी नेक्स्ट स्टूडेंट के आमीन लिखने से मेरी दुआ कबूल हो जाए और किसी का भला हो जाए। तो व्यूवर्स, आपने रिजल्ट कैसे चेक करना है, वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप सिंपली जैसे मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ ये इस तरह से आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्पेलिंग नजर आ रहे होंगे, तो ब्रेन अकेडमी वन इस तरह से वेबसाइट को आपने गूगल पर सर्च करना है, सर्च करने के बाद वेबसाइट को आपने कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एग्जाम रिजल्ट वाली पोस्ट मिल जाएगी, असाइनमेंट रिजल्ट वाली पोस्ट मिल जाएगी, अलग अलग से आपको पोस्टें जो मिल जाएंगी, आप रिजल्ट जो है वो चेक कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी रिजल्ट में एक चेंजिंग कर दी गई है, एक तब्दीली कर दी गई है। एक तो जो है एग्जाम जो है आपके जो मार्क्स हैं, परसेंटेज जो है इसका, जो ग्रेड सिस्टम है यूनिवर्सिटी में, इसमें तब्दीली की है, जो मैं एक अनदर वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। और जो एक और तब्दीली है वो ये है कि अब जो आपका रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, थोड़ा सा लेट कर दिया गया है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लेट क्यों किया गया है, ये आपके लिए बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी है जो अभी मेरे जरा से अपडेट मिली है, और वो भी अगर फाइनली फाइनल होती है तो मैं वो भी आपके वीडियो के जरिए मैसेज दे दूंगा। लेकिन आप ज़रा भी परेशान ना हो, जो बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह इस नेक्स्ट जो है मंथ में फर्स्ट वीक ही आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी अनाउंस कर देगी। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह।